फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एक शीट से 10 ग्राम बनाना सीखेंगे। आप इस 10 ग्राम से कई प्रकार के जानवर और आकृतियां बना सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, 10 ग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप एक A4 साइज शीट ले लीजिए, एक कटर ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए और एक पेंसिल ले ली पेंसिल या पेन, जो भी आप एक पेंसिल या पेन ले लीजिए। सबसे पहले आप इस A4 साइज शीट को स्क्वायर के आकार में काट लीजिए, यानी वर्ग के आकार में काट लीजिए। आप इसको इस प्रकार से मोड़ दें और यहाँ से इसको इस बिल्कुल इसके ऊपर पूरा पूरा ढकते हुए इस प्रकार आप इसे मोड़ दें। ये देखिए, ये मैं मोड़ रही हूँ जैसे। ये देखिए, इस प्रकार से आपने भी मोड़ देना है। आप चाहे तो एक वर्ग के आकार की, पहले ही एक वर्ग के आकार की शीट ले लीजिए या A4 साइज शीट लेकर उसे इस प्रकार मोड़ दीजिए। अब जो ये आपका बाकी बचा हुआ टुकड़ा है, आप इसे मोड़ दीजिए और इसे देखिए जिस प्रकार से मैं मोड़ रही हूँ इस बचे हुए टुकड़े को। ये देखिए, और इसे कटर या कैंची की सहायता से काट लीजिए। आपकी ये A4 साइज शीट स्क्वायर के आकार की हो गई है। ये एक निशान ये आपने इस प्रकार से मोड़ लिया है, एक साइड से, दूसरी साइड से भी आप मोड़ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी फालतू पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचा है, तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर कटा है। आपका भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ये यहाँ से कोई भी पार्ट नहीं बचना चाहिए। ये देखिए, अब आपका ये स्क्वायर तैयार हो चुका है। अब हम 10 ग्राम बनाना सीखते हैं। आप यहाँ से एक, ये देखिए, ये आपके 4 निशान बन गए हैं। ये देखिए, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब आप इसे ये इस शीट को उठाइए और इस जो बीच का जो हमारा पॉइंट है इस पे मिलाकर और यहाँ पर इसको इस प्रकार से मोड़ दीजिए। अब इसको घुमा लीजिए और यहाँ से भी आप इसी प्रकार यहाँ पर बिल्कुल बीच में लाकर मोड़ दीजिए। अब इसी प्रकार तीसरी साइड से भी आपने इसे मोड़ना है। आप इसे चौथी साइड से नहीं मोड़ेंगे। अब आप इसे बिल्कुल 1/4 भाग इसका कर लेंगे, मतलब आधे का भी आधा कर लेंगे। सबसे पहले आप इसे आधे में मोड़ लीजिए। चलिए, मोड़ने के बाद आपकी यहाँ पर एक लाइन बन गई होगी। अब आप इस लाइन से मिलाते हुए यहाँ से इसे भी मोड़ लीजिए इस प्रकार से। आपने पहले आधा फोल्ड करके फिर उसका भी आधा मोड़ना है। आपका 10 ग्राम बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक स्केच ले लीजिए और इस 10 ग्राम को स्केच की सहायता से इसकी लाइनें मोटी कर लीजिए। सबसे पहले मैं इस लाइन को, ये देखिए, इस वाली लाइन को मैं मोटा करूंगी सबसे पहले। यहाँ वाली लाइन इसी प्रकार से इसको भी कर लूंगी मैं। ये अब आपका भाग एक तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर एक ले लीजिए। अब आप यहाँ से, ये देखिए, अब हम भाग दो बनाएंगे इसको और इसको यहाँ से इस प्रकार। ये आपका भाग दो बन गया। अब हम इसी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ये आपका भाग 3 बन गया। इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ तक। ये भाग 4
और अब इसको भी ये देखिए, जो आपने ये एक चौथाई भाग में मोड़ा था इसको भी यहाँ तक ले आइए। ये भाग 5, ये भाग 6 और ये भाग 7। इस प्रकार से अब आपने हमने इन लाइनों को मोटा कर लिया है। अब हम इसे कटर की सहायता से काटेंगे। अब हम सबसे पहले इस बीचों बीच वाली लंबी लाइन से इसे काट लेते हैं। ये देखिए, अब आपकी बीच वाली लंबी लाइन कट चुकी है। अब आपका ये बन गया है। अब आप इसी प्रकार इसको भी आधा मोड़ के और इस लाइन को कर देंगे, काट देंगे। ये देखिए, ये कट चुकी है। अब हमारे दो भाग तैयार हो चुके हैं। अब हम इस भाग में से सबसे पहले ये नीचे वाली लाइन को इस प्रकार मोड़ के इसको काट लेंगे। टुकड़ा नंबर 3 काट लेंगे। अब आप टुकड़ा नंबर 6 काट लीजिए। टुकड़ा नंबर 5 काटेंगे अब हम। अब 4 और 2 को भी इसी प्रकार से हम काट। अब हमने ये 10 ग्राम काट लिया है। अब हम इस 10 ग्राम से आकृतियां बनाएंगे। आइए सबसे पहले एक घोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले आप इसमें से नंबर 6 ले लीजिए और इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए। अब आप नंबर 3 ले लीजिए और इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर नंबर 7 लेकर और इसको ऐसे लगा लीजिए। इस प्रकार से नंबर 1 लेकर उसको यहाँ पर लगा दीजिए। अब नंबर 4 को आप इसकी पूंछ बना दीजिए। नंबर 5 और नंबर 2 को आप देखिए, नंबर 5 को इस प्रकार से ऐसे और नंबर 2 को आप ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं एक घोड़ा बन गया है। आप और भी हम आइए कुछ और आकृतियां बनाना सीखते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम इस 10 ग्राम के टुकड़ों से एक डक बनाना सीखते हैं। डक बनाने के लिए आप सबसे पहले सबसे ऊपर 5 नंबर का टुकड़ा लगा लीजिए। उसके बाद 4 नंबर का टुकड़ा इस प्रकार से लगा लीजिए। उसके बाद जो आपका 2 नंबर का टुकड़ा है इसको इस प्रकार से लगा लीजिए। अब 6 नंबर का पीस जो आपका है इसको लगा लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए, ये 6 नंबर का पीस है आपका। अब 7 नंबर की जो ये ट्रायंगल है आपकी, इसको आप इस प्रकार से यहाँ पर लगा दीजिए। अब एक जो आपकी 1 नंबर की ट्रायंगल थी उसको आप इस प्रकार से लगा लीजिए। और अब आपके पास जो आखिरी में 3 नंबर की ट्रायंगल बच गई, इसको आप इस प्रकार से लगा लीजिए। ये देखिए, ये आपकी एक डक बिल्कुल तैयार है। आप इसे टेप के साथ चिपका लीजिए और ये आपकी एक डक तैयार है। इसी प्रकार से आइए कुछ और आकृतियां बनाते हैं। ये अब हम इन 10 ग्राम के टुकड़ों से एक डॉग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप एक 5 नंबर का टुकड़ा यहाँ पर लगा लीजिए। अब 4 नंबर का टुकड़ा इसके नीचे लगा लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके नीचे 1 नंबर की ट्रायंगल लीजिए और इसको इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लगा लीजिए। अब 7 नंबर की ट्रायंगल को इसके इस तरफ लगा लीजिए, नीचे की तरफ। 3 नंबर के ट्रायंगल को यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए। देखिए, 2 नंबर की ट्रायंगल को इस प्रकार से।
इसके नीचे देखिए ऐसे लगा लीजिए, और जो आपका 6 नंबर का टुकड़ा बच गया इसको इसकी पूंछ बना दीजिए। ये देखिए अब आप देख सकते हैं, अब आपका एक डॉग बिल्कुल तैयार है। आप भी इन आकृतियों को अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।